राजधानी समेत पूरे प्रदेश में धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके सिर पर छत नहीं है। ऐसे में नगर निगम ने ठंड से निपटने और इन लोगों को सहारा देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर गोपाल राम बिनवाल अपर नगर आयुक्त ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। करीब 5 रैन बसेरे पहले से ही हैं। इसके साथ ही एक कम्युनिटी हॉल डालनवाला में भी है। इसके साथ ही 51 जगह ऐसी हैं जहां नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती है और रैन बसेरा में नए कंबल, रजाई आदि खरीदने की कार्रवाई भी चल रही है और पूर्व से भी सारे संसाधन और बिस्तर वगैरह अवेलेबल हैं। नगर निगम की ओर से पूरी तैयारी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नगर निगम में जो हमारे 5 रेन बसेरा हैं, जिसमें घंटाघर वाला रेन बसेरा का संचालन एनजीओ के थ्रू किया जा रहा है, बाकी 4 रेन बसेरे जो हमारे नगर निगम उनका संचालन करता है, और लगभग 51 हमारे जहां पर अलाव जलता वो पॉइंट आइडेंटिफाई है, और जहां पर हमें आवश्यकता होगी उस पॉइंट को भी बढ़ाया जाएगा। लकड़ी का टेंडर वगैरह हो गया है और रैन बसेरों में नए कंबल, रजाइयां आदि खरीदने की कार्रवाई भी चल रही है और पूर्व से भी सारे संसाधन और बिस्तर वगैरह अवेलेबल है, तो निगम की ओर से पूरी तैयारियां हैं।